ये लिक्विड फंड क्या होता है, क्या ये एफडी से बेटर होता है, क्या आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिटर्न मिल सकता है लिक्विड फंड्स में, क्या ये फंड सेफ है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे। तो आज हम जानेंगे लिक्विड फंड्स के बारे में सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज जानते हैं लिक्विड फंड्स के बारे में सब कुछ फिनोलॉजी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिक्विड फंड होता क्या है। लिक्विड फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो हमारे मन में इक्विटीज आता है, स्टॉक मार्केट आता है, कि म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में पैसा लगाते हैं। और यहीं पे लिक्विड फंड्स थोड़े से डिफरेंट है। लिक्विड फंड्स डेट फंड्स हैं, यानी ये किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, ये बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें एक फिक्स्ड रिटर्न होता है। जैसे किसी कंपनी को मार्केट से मान लीजिए पैसा उठाना है 2-3 महीनों के लिए, तो वो कंपनी ये बोलती है कि आप 10% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न ले लेना और हमारा ये बॉन्ड या हमारा ये डिबेंचर को सब्सक्राइब कर लो। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका नाम लिक्विड फंड क्यों है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी लिक्विड फंड्स केवल उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म कैपिटल की जरूरत है, शॉर्ट टर्म किसी कंपनी को लोन चाहिए 91 डेज या उससे कम के लिए, तो वो कंपनी बोलती है कि मैं एक बॉन्ड या डिबेंचर निकाल रही हूं, 3 महीने की इसकी मैच्योरिटी है, मुझे 3 महीने के लिए पैसे चाहिए, तो आप इस बॉन्ड या डिबेंचर को सब्सक्राइब करो और 3 महीने बाद इंटरेस्ट के साथ आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस तरह के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो 1 महीना 2 महीना या 3 महीने के लिए किसी कंपनी को पैसा रेज करने में मदद करते हैं, लिक्विड फंड्स केवल उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा केवल 91 डेज या उससे कम के लिए लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। आप जितने दिन चाहे, महीने, साल चाहे, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लिक्विड फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर ने एक 90 डेज वाले फंड में पैसा लगाया, वो मैच्योर हुआ, तो वो पैसा वो दोबारा किसी 91 डेज वाले बॉन्ड में लगा देता है। तो आप जितने साल चाहे इन्वेस्टेड रह सकते हैं और नए नए बॉन्ड्स में फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे पैसा लगाता रहेगा, तो आपके लिए कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। लेकिन आप जब चाहे रिडीम जरूर कर सकते हैं। इसका नाम लिक्विड फंड इसीलिए भी है कि जब चाहे आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अगर आप पैसा निकालेंगे तो एक बहुत छोटा सा एग्जिट लोड लगता है, लेकिन जो भी पैसा आपने लिक्विड फंड में लगाया है उसको आप 7 दिन के बाद अगर निकालेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। तो अब जरा हम लिक्विड फंड को एफडी से कंपेयर करते हैं, रिटर्न्स वाइज, रिस्क वाइज, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज। इन 3 पैरामीटर्स में हम इसे एफडी से कंपेयर करते हैं। तो रिटर्न्स, एफडी भी डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चूज कर रहे हैं, आजकल एफडी का रिटर्न 6-8% के बीच रहता है, और उससे सिमिलर रिटर्न ही लिक्विड फंड्स देते हैं। तो रिटर्न के मामले में दोनों बराबर हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। तो बैंक्स में, खास करके आप रेप्यूटेड नेशनलाइज बैंक या बड़े प्राइवेट बैंक्स में पैसा डाल रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, तो आपका पैसा ये माना जा सकता है कि लगभग रिस्क फ्री है, जीरो रिस्क है, पैसा डूबेगा नहीं। और अब 1 अप्रैल से, आने वाले 1 अप्रैल से, तो 5 लाख तक का एफडी और सेविंग्स पे इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो अगर वो पैसा डूबे भी तो 5 लाख तक तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। यानी एफडीज में हम ये मान सकते हैं कि लगभग जीरो रिस्क है, और जो रिटर्न बैंक आपको प्रॉमिस करता है वो रिटर्न वो आपको देगा ही, रिटर्न्स फ्लक्चुएट नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म में तो लगभग बिल्कुल नहीं होंगे। वहीं लिक्विड फंड्स में हम रिस्क की बात करते हैं तो बहुत लो रिस्क है, लेकिन इसमें कोई गारंटी, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं है। आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फंड ने जिस बॉन्ड या डिबेंचर को खरीदा है वो कंपनी उस फंड को पैसा लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी। लेकिन फिर भी इसे बहुत लो रिस्क इसलिए माना जाता है क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ये मान लिया जाता है कि उतना सेफ है वो इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैच्योरिटी जल्दी है। तो आप अगले 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में जिस बंदे को आप लोन दे रहे हैं उसका बॉन्ड सब्सक्राइब करके, वो पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, इसका अंदाजा लगाना आसान होता है इन कंपैरिजन कि आप किसी को 5 साल या 10 साल के लिए लोन दें। तो क्योंकि लिक्विड फंड बहुत शॉर्ट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसे बहुत लो रिस्क माना जाता है। लेकिन
एफडी के जैसे लगभग जीरो रिस्क नहीं माना जाता। रिटर्न्स भी फ्लक्चुएट करते हैं। ये कोई नहीं बोल सकता कि इस फंड में आपको 7% ही मिलेगा या 7.1% ही मिलेगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन 6 से 8% के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर सेफ्टी कम है, रिटर्न सिमिलर है, तो ऐसे में कोई भी फिक्स डिपॉजिट्स को छोड़ के लिक्विड फंड में पैसा क्यों लगाएगा? क्या एडवांटेज है लिक्विड फंड का? दो एडवांटेजेस। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप जिस महीने जिस दिन चाहें जितना अमाउंट चाहें उतना अमाउंट डाल सकते हैं। नहीं तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, अगर इस महीने आपको 5,000 डालना है तो एक नई एफडी बन गई, अगले महीने आपको 2,000 डालना है, एक नई एफडी बन गई। यहां तक कि रिकरिंग डिपॉजिट में भी आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड फंड्स आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किसी महीने आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, जो अमाउंट जिस दिन चाहें उस दिन डालें, तो हायर फ्लेक्सिबिलिटी है। सेकंड, इसमें विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी है। फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आपने साल भर की एफडी कराई है तो साल भर तक आप तोड़ नहीं सकते, कई बैंक्स में तो तोड़ ही नहीं सकते, और अगर तोड़ेंगे तो आधा या 1% की पेनल्टी लगेगी, तो वहां आपका रिटर्न कम हो जाता है। लिक्विड फंड्स में एक हफ्ते तक एक माइनर सा एग्जिट लोड लगता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद आप चाहें तो 8वें दिन निकालें, 80वें दिन निकालें, 500वें दिन निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको पैसा कब निकालना है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपको 2 महीने बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, 6 महीने बाद या 2 साल बाद, तो एफडी से बेटर लिक्विड फंड हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं और रिटर्न्स तो एफडी जितने मिल ही रहे हैं। तो ये दो बेनिफिट्स हैं लिक्विड फंड के एफडी के ऊपर, लेकिन सेफ्टी एफडी की ज्यादा है, रिटर्न सिमिलर है, वो एफडी के एडवांटेज है। लेकिन ये एफडी वाला रिटर्न और लिक्विड फंड वाली फ्लेक्सिबिलिटी तो आप सोच रहे होंगे कि ऑटो स्वीप में भी मिलती है। अगर आप नहीं जानते ऑटो स्वीप क्या है, तो ऑटो स्वीप के बारे में आप इस वीडियो से डिटेल में जान सकते हैं। और ब्रीफली, ऑटो स्वीप एक ऐसा फीचर है जिससे सेविंग्स अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जो भी बैलेंस है, जैसे आप और आपके बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि 1,00,000 रुपए के ऊपर जब भी मेरे सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होगा तो उसकी ऑटो स्वीप एफडी बन जाएगी और उस पर आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिलने लगेगा, और आप जब चाहें उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या एटीएम से निकालना चाह रहे हैं उस पैसे को, तो भी आप उसे निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट एफडी वाला, फ्लेक्सिबिलिटी सेविंग्स वाला, ये आपको मिलता है ऑटो स्वीप में, जो कुछ बैंक्स ऑफर करते हैं। तो इसके मुकाबले लिक्विड फंड्स कैसे बेटर है, या फिर कोई क्यों ऑटो स्वीप छोड़ के लिक्विड फंड में पैसा डालेगा, तो इन्हें कंपेयर करते हैं। पहली चीज, ऑटो स्वीप, जैसे मैं पर्सनली ऑटो स्वीप यूज करता हूं, मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑटो स्वीप हर बैंक में अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आपका अकाउंट किसी ऐसे बैंक में है जहां ऑटो स्वीप नहीं अवेलेबल, तो लिक्विड फंड्स बेटर हैं। किसी भी बैंक में चाहे आपका अकाउंट हो, आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। और सेकंड चीज, अक्सर लो ड्यूरेशन वाली एफडी में, जैसे 15 दिन की एफडी हो, 21 दिन की एफडी हो या 30 दिन की एफडी हो, उसमें बैंक्स एफडी में भी काफी कम इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, 5-5.5% या इस तरीके का। तो ऑटो स्वीप में भी अगर आपका पैसा 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन उस ऑटो स्वीप एफडी में रहे, तो आपको इंटरेस्ट लिक्विड फंड के मुकाबले कम मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑटो स्वीप में कम इंटरेस्ट मिलता है। और तीसरी, एक और इंपॉर्टेंट बात, कि क्योंकि ऑटो स्वीप में आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही होता है, वो आपके अकाउंट में दिखता रहता है, और आप चाहें तो उसे डेबिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा हो तो मैं उसे खर्च कर देता हूं, तो ऑटो स्वीप बेटर ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं ऑटो स्वीप क्यों प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे में ये डिसिप्लिन है, अकाउंट में पैसा दिखेगा भी तो मैं उसे उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में वो डिसिप्लिन नहीं है, तो ऑटो स्वीप से बेटर है कि आप उस पैसे को हटा के लिक्विड फंड में डाल दीजिए, जिससे आप डेबिट कार्ड से या एटीएम कार्ड से विड्रॉ करके इंपल्सिव परचेज में या मोमेंटरी खर्चों में उस पैसे को खर्च ना कर दें, और लिक्विड फंड्स में एक्चुअली आपकी सेविंग्स होती रहें। तो लिक्विड फंड आप में एफडी वाला डिसिप्लिन लाता है कि आप उसे खर्च ना कर दें, और आपको एफडी वाला रिटर्न भी देता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट या ऑटो स्वीप वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो कई मामलों में अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो ये बेस्ट सेविंग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, रिस्क फ्री नहीं है, थोड़ा रिस्क है, बहुत कम ही सही, लेकिन ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम एक एग्जांपल लें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड का, तो पिछले 13 सालों में अगर कभी भी इस फंड में आपने 7 दिन से ज्यादा पैसा रखा होता तो आपका कैपिटल इरोड नहीं होता। यानी पिछले 13 सालों का इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर आप 7 दिन से ज्यादा पैसा रखेंगे तो आपका कैपिटल लॉस तो नहीं होगा। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि काफी सेफ होते हैं लिक्विड फंड, जीरो रिस्क ना सही लेकिन काफी लो रिस्क होते हैं। अब
आप सही लिक्विड फंड सिलेक्ट कैसे करेंगे, यह बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर करके हम लोगों को आदत हो जाती है कि हम रिटर्न्स देख के फंड सिलेक्ट करें, लेकिन लिक्विड फंड में यह बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि आप समझिए कि लिक्विड फंड में रिटर्न कैसे आता है। देखिए, जो कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती या जो कंपनियां डूबने की कगार पर होती हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती हैं, क्योंकि बैंक से उनको लोन नहीं मिल रहा, बाजार से उनको लोन नहीं मिल रहा, कोई उनको लोन नहीं दे रहा। तो उनको लोन कौन देगा अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट देंगे उस पैसों के बदले? तो ऐसे में बुरी कंपनियां अक्सर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती हैं। तो कोई भी लिक्विड फंड ज्यादा रिटर्न लाके दे सकता है ज्यादा रिस्क लेके। वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर दे, बी रेटेड, डबल बी रेटेड, ट्रिपल बी रेटेड कंपनियों में अगर कोई लिक्विड फंड इन्वेस्ट कर देगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो ज्यादा रिटर्न लाएगा। लेकिन अगर उसमें से कोई कंपनी डूब गई, डिफॉल्ट कर गई, तो आपका कैपिटल भी इरोड हो जाएगा। तो कभी भी लिक्विड फंड का पर्पस हायर रिटर्न लाना नहीं है कि 10% का रिटर्न आ जाए, 15% का रिटर्न आ जाए। क्योंकि हायर रिटर्न ही अगर आपको लाना है तो आप तो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेंगे। लिक्विड फंड का पर्पस है सेफ रखना आपके पैसे को और सेफ्टी के साथ एफडी के आसपास का रिटर्न देना। लेकिन सेफ्टी पहला रिक्वायरमेंट है लिक्विड फंड में। इसीलिए लिक्विड फंड्स को रिटर्न देख के चूज बिल्कुल मत करिए। आप क्या देखेंगे लिक्विड फंड सेलेक्ट करते समय? एक इंपॉर्टेंट चीज कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो रहा हो, क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करेगी, और दूसरा ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज में हो, जो कि सेफेस्ट समझा जाता है। और ये डेटा आपको किसी भी लिक्विड फंड के बारे में किसी भी म्यूचुअल फंड वेबसाइट में मिल जाएगा कि उस फंड ने कितना परसेंट अपने टोटल AUM का, टोटल पैसे का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया है और ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज में लगाया है। तो जितना ज्यादा पैसा कोई लिक्विड फंड इस तरह की कंपनीज में लगा रहा है जो सेफेस्ट हैं और फिर भी बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न ला रहा है, वो बेस्ट है। लेकिन पहले आपको सेफ्टी ही देखनी है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको सेविंग्स में डिसिप्लिन चाहिए तो लिक्विड फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये डिसिप्लिन लाने में एक इंटरेस्टिंग ऐप आपकी मदद करता है जिसका नाम है इजी प्लान ऐप। मुझे ये ऐप अच्छी इसलिए लगती है कि इसमें आपको सिंपली बताना है कि आपका गोल क्या है, आपको हर महीने रिमाइंडर्स भी भेजता रहेगा ताकि अगेन आप डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स कर सकें। और ये ऐप आपका कहां पैसा लगाता है? ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में ही, जिसने पिछले कुछ सालों में 7.2% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन अगेन, सिर्फ रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर 13 सालों तक आपने इसमें अपना पैसा रखा होता तो 7 दिन से ऊपर अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते तो आपको कभी भी लॉस नहीं होता। तो काफी सेफ फंड है, ये भी हम इससे अज्यूम कर सकते हैं। विड्रॉल भी आसान है। 50,000 तक अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका 90% इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है जब आप विड्रॉ करते हैं, और 50,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट है वो 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने में मदद मिलेगी और ये आपको डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि आपके लिए लिक्विड फंड बेटर है या FD बेटर है। और लिक्विड फंड से रिलेटेड सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि लिक्विड फंड्स के अराउंड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें। और स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आपके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, टेलीग्राम हो या हो फेसबुक। मेरी सारी सोशल मीडिया IDs अब आपके स्क्रीन पर हैं। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।